गुरु जी, मेरा नाम प्रिया है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरी माता का नाम शशि है। आज मैं आपको बाणी की ताकत के बारे में बताना चाहती हूँ। बात है दिसंबर की। मेरी मम्मी को हल्का ब्रेस्ट में थोड़ा, उनको लगा कि उनके गांठ हो गई है, ब्रेस्ट में हल्का पेन हुआ, तो हमने डॉक्टर्स को दिखाया, तो उनकी रिपोर्ट्स में उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ कि आपको कैंसर है। हम बहुत परेशान हो गए। फिर हमने दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में बीएल कपूर मैक्स में उन्हें दिखाया, तो वहाँ भी उनकी रिपोर्ट्स में कैंसर ही आया। कंफर्म हो गया कि इनको कैंसर है। डॉक्टर्स ने अच्छा खासा लंबा ट्रीटमेंट बताया कि उनको 8 थेरेपी होंगी पहले, फिर सर्जरी होगी, उसके बाद उनको फिर 8 रेडिएशन थेरेपी देंगे। ये सब हम इतना बड़ा ट्रीटमेंट बताया उन्होंने, हम सब डर गए कि मम्मी थेरेपी कैसे सरवाइव करेगी। मैं बहुत परेशान हो गई थी, मैं बहुत रो रही थी, तो मेरी छोटी मम्मी, मेरी सास ने मुझे बताया कि बेटा आप परेशान मत हो। वो पहले से ही गुरु जी से जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप अमृत वेला करो, गुरु से अरदास करो, वो सबकी सुनते हैं। तो ऐसे ही फिर मैंने टीवी में रिंकू वीर जी के कीर्तन चला के रखे, पूरे दिन में वो ही सुनती थी। फिर मुझे व्हाट्सएप पे उनके नंबर दिखे स्क्रीन पे ही, तो मैंने उन्हें मैसेज करा धन गुरु नानक, तो उन्होंने मुझे तुरंत रिप्लाई करा। संदीप वीर जी नाम है उनका, उन्होंने मुझे कॉल करा। मैंने उन्हें बताया कि वीर जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मम्मी को ऐसे ब्रेस्ट कैंसर बताया है, वो बहुत परेशान है। तो उन्होंने बताया कि आप ऐसे परेशान ना हो, रो नहीं, आप बाणी का सहारा लो। और फिर उन्होंने रिंकू वीर जी से बात करके बताया कि आप श्री सुखमणि साहिब जी का पाठ करें, गुरु अर्जुन देव जी महाराज की बाणी सुने, वो सभी दुखों का खात्मा करती है। मैंने भी ऐसे ही करा। मैं 1:30 बजे उठी, सवा पैर स्नान करा और मैं बस गुरु के सामने बैठ गई। बस मैंने अरदास करी कि आप ही मेरी मम्मी को बचा सकते हो, वाहे गुरु जी मेरी मम्मी को बचाओ। तो मैंने ऐसे ही करा, मैं बैठ गई और हरिदास साहिब जी का पाठ करे, बाबा नंद सिंह जी के वचनों पर चले, मैंने भी वो ही करा। मैं बाबा नंद सिंह जी के वचनों पर चली, मैंने ना निंदा करी ना मैंने सुनी। असल में तो जब हम अमृत वेला से जुड़ जाते तो हमारी सोच बदल जाती है, हम उन सब चीजों में ध्यान ही नहीं जाता। और मैं तो पूरा दिन ही बस वाहेगुरु जी का सिमरन चला कर रखती थी। जब मैं वाहेगुरु जी का सिमरन चलाती थी तब मैं खाना बनाती थी। मैंने ऐसे ही करा, मम्मी को मूल मंत्र पढ़कर उन्हें दवाई दी। मैं गुरु के सामने जल प्रसाद रखती थी, जल प्रसाद से ही मम्मी को दवाई देती थी। शाम को रहरा साहिब जी का पाठ करती थी। बस ऐसे ही मैंने बाणी का सहारा लिया और फिर आगे आगे ऐसे ही मम्मी का ट्रीटमेंट बढ़ा, मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई। फिर हमने बीएल कपूर से भी टेस्ट करवाए, मम्मी के 4 बार टेस्ट हुए सात संगत जी, 4 बार टेस्ट में कुछ भी नहीं आया। जो टेस्ट कर रहे थे वो खुद हैरान हो गए कि आपने क्या किया है, आप ये कैंसर का जो बिल्कुल लम्स थी वो बिल्कुल भी कहीं कोई निशान नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो उन्होंने बोला कि हम सर्जरी कहाँ करें, जब हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो हम सर्जरी क्या करें। तो फिर डॉक्टर्स के पास गए कि उन्होंने ऐसे रिपोर्ट्स में तो कुछ आया नहीं है, वो भी हैरान हो गए। फिर मम्मी को उन्होंने सर्जरी तो करी, जस्ट थोड़ी सी उनको सर्जरी हुई है, बट उसमें भी मम्मी को जैसे उन्होंने कहा कि सर्जरी हुई है, हम इनका एक पीस लेंगे, एक टुकड़ा लेंगे, उसमें टेस्ट करेंगे कि आखिर इनका कैंसर एकदम से ठीक कैसे हुआ, कुछ दिखाई क्यों नहीं दिया। फिर वो भी टुकड़ा मम्मी का पीस, वो भी उसमें टेस्ट हुआ, तो सात संगत जी उसमें भी कुछ नहीं आया। गुरु की इतनी मेहर है कि उसमें भी कुछ नहीं आया, क्योंकि ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि हम अमृत वेला से जुड़े, बाणी का सहारा लिया हमने, इसीलिए मम्मी आज बिल्कुल ठीक है। मेरे लख लख शुक्राना मेरे वाहेगुरु जी का, मम्मी बिल्कुल ठीक है। मम्मी खुद भी बताएंगे आपको कि मम्मी का कैसे ठीक हुई मम्मी, क्योंकि उन्होंने भी अमृत वेला करी है, उन्होंने भी बाणी का सहारा लिया है। मेरी ननंद उनको रोज भेजती थी अमृत वेला, वो भी उन्होंने भी पूरा विश्वास वाहेगुरु जी पर, गुरु जी पर कर लिया था, वो भी सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दिया था। मेरी मम्मी ने भी ऐसे ही करा और मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक। गुरु नानक वाहेगुरु जी, मेरे यहाँ पे गांठ बन गई थी, मैंने डॉक्टर से दिखाया तो उन्होंने चेक करा मशीन में डाल के, उन्होंने बताया कि भाई गांठ है,
गांठ के बाद उन्होंने कहा कि कैंसर है। तो फिर मैं बड़े हॉस्पिटल गई, मेरे बच्चों ने, मेरी बेटी ने, मेरे बहू ने, सब ने बहुत साथ दिया। उन्होंने उनकी वो करने से मेरे को बहुत आराम मिला। अमृत विलास करती थी मेरी बेटी भी, बड़ी छोटी वाली, उसकी नंदन मेरे को वो दिया अमृत विलास करने के लिए। वो करती रही मैं, करते करते मेरे को बिल्कुल ठीक हो गई। वो एक बात नहीं, चार बार मैं मशीन के अंदर निकली, मेरे को कुछ भी नहीं। अमृत विलास करते करते मेरे बिल्कुल ठीक हो गई। मैं तो ये कहती हूँ सब अमृत विलास करें और अपनी बीमारियों को दूर करें, वाहेगुरु से जुड़े। मैं चाहती हूँ सात संगत जी आप भी अमृत वेला का सहारा लें, पानी से जुड़े, क्योंकि यही हमें बचा सकते हैं। हमें इनका सहारा लेना होगा। वाहेगुरु जी, धन गुरु नानक। वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु।